हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। सो अभी थोड़ी देर पहले एक ब्लॉग को एंड किया, अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। नहा के रेडी होके एकदम हड़बड़ी से आना पड़ा है। सच बताओ तो भूख बिल्कुल नहीं है, लेकिन टाइम पे खाना पड़ेगा, बुफे सिस्टम नहीं तो उठ जाएगा। खाना तो खैर हमें शाम को भी मिल जाएगा, बट यहाँ पर क्या होता है ना, क्वांटिटी मतलब जितना हमें लेना है उतना हम खुद से ले लेंगे, और अदरवाइज जब हम ऑर्डर करते हैं ना थोड़ा ज्यादा ही क्वांटिटी में आ जाता है ना, वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हड़बड़ी कर रहे थे। 2:30 बज चुका है, तो अभी से ब्लॉग को भी स्टार्ट किया, बिकॉज लास्ट ब्लॉग हमने एंड कर दिया था, तो अभी से एक न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है ताकि आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाओ। तो चलिए फिर साथ में बने रहिए, अभी से तो स्टार्ट हुआ, अभी पूरा दिन सब कुछ बहुत कुछ शेयर करेंगे, ठीक है? तो चलिए पेट पूजा हो जाए फिर से। चलिए पेट पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सो लेडीज फर्स्ट, आप लोग एंट्री कीजिए। सो पेट पूजा कंप्लीट। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ा सा ब्रेक देंगे क्योंकि नहीं तो पेट के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन खाना बहुत टेस्टी है। तो अब डायरेक्ट डिनर, तो चलिए अब रील्स वगैरह थोड़ा बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। हाँ चलिए, और ज्यादा खाने से ना भी थोड़ा नींद सा आता है। और अभी सर्दी का टाइम में, और वो भी मतलब दोपहर का टाइम, तो एकदम खा के सोना नहीं है। चलिए अब क्या करना है, रील्स बनाना है, शॉर्ट्स बनाने हैं। और इससे पता है दो फायदा होगा, रील्स और शॉर्ट तो बनी जाएगा, खाए तो वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, होना भी जरूरी है, तभी रात को थोड़ा प्रॉपर खा पाएंगे, अदरवाइज रात को ना लाइट लेना पड़ेगा। और मैम रात को लाइट लेगी तो वो फिर रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इतना टेस्टी खाना है, वही लाइट क्यों लेना है। वैसे ही वेट बढ़ा हुआ है तो क्या है, दो दिन में और ज्यादा बढ़ गया। कितना बढ़ेगा, कितना किलो? और अब यहाँ पर पता है जितने भी हमने मतलब जो बुफे में जब हम ले रहे थे ना, सभी के नाम के आगे कैलोरी भी लिखा हुआ है कि इतने कैलोरी आपने ले लिया। यहाँ के जो स्टाफ है मतलब जितना भी बोलो उतना ही कम बोलना होगा, इतना मतलब फैमिली मेंबर जैसा। इन लोगों का जो बिहेवियर है ना, ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई और है, हम जानते नहीं है पहले से, बिल्कुल फैमिली जैसा। अभी हम लोग लंच कर रहे थे तो जो भैया बार बार हमें देख रहे थे, टेक केयर कर रहे थे, तो उन्होंने आके कहा कि सर मैम आप लोग बंगाली हो ना, तो हमारे मैनेजर सर भी बंगाल से आए हैं, उनके सामने स्वीट्स रखने से कहते कि अरे यार मेरे सामने क्यों रख दे, क्योंकि बंगालीज स्वीट्स के मामले में एटलीस्ट अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते और उसी से वेट ज़्यादा बढ़ता है। और यहाँ पर चाहे मतलब जो मैनेजर है, जनरल मैनेजर या कोई भी है, मतलब सबका बिहेवियर सेम मिलेगा बहुत, आपको बहुत अच्छा, बहुत मतलब अच्छा। पता ही लगेगा कि मैं कितने बार आ चुका हूँ यहाँ पर, ऐसे उन लोगों का ऐसा फील होगा जो भी आएंगे उनको। तो अच्छा है, मतलब ताज का बोलते हैं कि बोलते हैं ना टाटा ग्रुप है, तो टाटा ग्रुप तो उनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। की? ना ना, हो गया हमारा अपना रील्स। तो हमारा इक्विपमेंट साथ में ही रहता है, कब जरूरत पड़ जाए तोप। हो गया पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा, मतलब रील्स वगैरह बना लिया और थोड़ा सा पेट भी हल्का हो गया, मतलब मेरा नहीं हुआ है, मेरा अभी भी लग रहा है। अच्छा, इनको अभी भी लग रहा है कि कुछ खाना है। ना ना। तो अभी थोड़ा सा बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, रिलैक्स होंगे, एंजॉय करेंगे, और साथ में हमारा इंडोर रील्स चलता रहेगा। अभी तो आउटडोर था, अब अंधेरा हो गया धीरे धीरे, पर टाइम ज्यादा नहीं हुआ है। आईफोन जो है ना फ्रेंड्स, ये ज्यादातर नेचुरल लाइट को ही सपोर्ट करते हैं, ये ना जैसे आर्टिफिशियल जैसे रिंग लाइट वगैरह उनको इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल,
और बच्चे अभी उनका वही है, एक ही काम है यहाँ पर आके कार्टून वगैरह देख रहे हैं, आपस में वो लड़ाई भी हो रहा है, कार्टून भी देख रहे हैं और पूरा दिन लड़ाई होता है। यहाँ पर यूट्यूब नहीं है ना, तो चिंपू बार बार बोल रही है कि दीदी अपने ही पसंद का ही लगा रही है। घर पे वो लोग ना जैसे ऐसे मैंने ऐसे टाइम फिक्स करते हैं, घर पे वो लोग फिक्स करते हैं कि तुम एक घंटा देखोगे फिर एक घंटा मैं, तो यहाँ पर यूट्यूब नहीं है तो चिंपू को समझ में नहीं आ रहा है, तो सोच रही है दीदी ने अपने पसंद का लगा लिया और उसका नहीं लगा रहे। और बाकी कल मॉर्निंग का प्लान है थोड़ा सा बच्चों के साथ भी रील्स वगैरह बनाना, क्योंकि थोड़ा सा उन लोगों का भी उनको भी अच्छा लगेगा और मेमोरीज तो रह जाते हैं हमारे पास। So, हमारा डिनर का शुरुआत हो गया चिकन टिक्का के साथ और इधर देखिए ऑसम टेस्ट। तो मैं भी थोड़ा सा झपट लूं इसी पे, नहीं तो ठंडा हो जाएगा ये। और इधर देखिए मैडम, छोटी मैडम, छोटी नहीं मीडियम, मोटी मैडम उधर सो गई है, देखिए घूमेगा। उठा 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 चिंपू उठाओ तो, और इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको उठा, देखिए 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 जब अरे और ये आ गया हम लोगों का डिनर। ये देखिए मैडम पूरा एंजॉय कर रही है मिस्सी रोटी और देसी स्टाइल में बैठ के नीचे। एक्चुअली अभी डिनर के टाइम में ना बुफे हम लोगों ने नहीं लिया, एक तो ठंड होगा जाने के लिए और फिर अभी रात भी हो गया तो अभी चौंपक जो थी वो नींद में थी, तो मैंने सोचा चलो रूम पे ही ऑर्डर कर ले। तो ये है यहाँ पर तंदूरी रोटी, नान और मिस्सी रोटी, गोभी और एकदम देसी स्टाइल में दाल तड़का। और इनके स्टाइल देखिए, ये पापड़ खा रही है या रोटी खा रही पता नहीं चल रहा। बोलो बहुत ही जल्द मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, वीडियो में अगर थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोगों का रिस्पांस मिलने से हमारे लिए और मतलब मोटिवेशन का काम करते हैं, तो कमेंट कीजिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।